दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अक्सर हम लोग के साथ क्या होता है कि हम किसी भी इवेंट में या फिर किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं और फेशियल ब्लीच करवाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसकी यूज के बाद आप देखोगे आपको ना ही पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको फेशियल करवाने की जरूरत, ना ही आपको ब्लीच करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो देगी। दोस्तों, फेरा लवली एक मल्टीविटामिन क्रीम है, ये फेस पर इंस्टेंट ग्लो लाती है। साथ ही चेहरे से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन या फिर किसी भी तरीके के निशान होते हैं उसको भी रिमूव करने का काम करती है, रंगत को निखारती है। दोस्तों, फेरा लवली अगर आप मेकअप के लिए यूज करते हैं तो ये स्किन को फेयर बनाती है, और अगर फेस पैक की तरह यूज करते हुए आपके फेस को बहुत ही तेज़ी से गोरा करती है। तो दोस्तों, फेरा लवली आपको मार्केट में हर प्राइस में मिल जाती है, 10 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 10 की 20 की आपको मिल जाती है। तो बस आपको फेरा लवली लेना है। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाना इतना ज़्यादा इजी, इतना ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जितना इसको बनाना सिंपल उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही आपको इंस्टेंट ग्लो देगी, बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा ही फेरा लवली लगने वाला है, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना, बस 1 चम्मच आपको फेरा लवली लेना है। दोस्तों, ये फेरा लवली आपके फेस से काले दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइया को रिमूव करेगी। एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको इसमें लेना है विटामिन कैप्सूल। दोस्तों, ये विटामिन कैप्सूल किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, चाहे स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो। हेयर के लिए मैं यूज करती हूँ ना, तो आपके हेयर को ग्रोथ होती है, हेयर को काला करता है। और फेस के लिए यूज करती हूँ तो आपके फेस के काले से काले दाग धब्बे को रिमूव करने का काम करता है, डार्क सर्कल्स को ठीक करता है, साथ ही स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, हेल्दी बनाता है, और आपके चेहरे से रिंकल फाइनाइश को भी रिमूव करने का काम करता है। तो बस आपको 1 विटामिन कैप्सूल का ऑयल इसमें डाल देना है। एंड ऑयल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपके पास विटामिन कैप्सूल का ऑयल नहीं है तो। एंड नेक्स्ट आपको लेना है लेमन। दोस्तों, लेमन विटामिन सी का भंडार है, इसमें नेचुरली ब्लीची प्रॉपर्टी होती है, स्किन को ब्लीच करता है, चेहरे पर जितना भी मैल गंदगी उसको रिमूव करता है, डेड स्किन को हटाता है, काले से काले दाग धब्बे को हटाता है, साथ ही रंग को गोरा करने का काम करता है। तो बस आपको 1/2 चम्मच लेमन जूस डाल देना है। अगर आपकी चम्मच बड़ी है तो आप 1/2 ले, छोटी चम्मच है तो आप 1 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी चम्मच यहाँ पर छोटी थी तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। बस आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों, आप इसको मिक्स करोगे ना तो क्या होगा, ये फट जाएगा। तो अगर फट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फेरा लवली में लेमन का जूस डालोगे तो वो फटेगा, तो फटने दो, आप मिक्स करते रहिए। जिस तरीके से आप इसको मिक्स करते जाओगे ना, क्रीमी टेक्सचर में आता जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप, मैंने मिक्स किया है, वो क्रीम की तरह बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल और करना है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा कड़ यानी दही, आपको गाढ़ा दही लेना है, थोड़ा सा ही डाल देना है। अब आपको फिर से इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप टाइम दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। जिस तरीके से आप मिक्स करते जाओगे, मार्केट की क्रीम होती ना मॉइस्चराइजर क्रीम, वैसी क्रीम की तरह बन के रेडी हो जाएगी। तो आपको मिक्स करना है। दोस्तों, करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली, आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन लगाइए, फिर आप देखिए कमाल, आपके चेहरे से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन से झाइयाँ सब रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन की ऑल प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी, आपके उस पर टैनिंग है, आपकी स्किन काली पड़ गई है, आपका चेहरे की चमक हो गई है, निखार हो गया है, तो आपके चेहरे की चमक वापस आ जाएगी, चेहरे पर निखार भी आ जाएगा। दोस्तों, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ भी आने वाली है, तो आप इस रेमेडी को कंटिन्यू लगाइए। करवा चौथ दिवाली तक आपकी स्किन एकदम क्लीन, क्लियर, बेदाग, हेल्दी, ग्लोइंग, खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप इसको बनाइए और लगाइए, फिर आप खुद कहेंगे कि वाह दीदी, पहले क्यों नहीं बताया, इतनी ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। दोस्तों, अब मैं आपको इसको लगा कर भी दिखा देती हूँ, आपको कैसे लगाना है। तो दोस्तों, मैं आपको हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ, आज मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं आपको हाथ पे लगाए दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इसको फेस पे लगाना है। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है फेस वॉश से, उसके बाद इस रेमेडी को लेकर अपने पूरे फेस पे अपर डायरेक्शन में मसाज करना है, जिस तरीके से मैं अपने हाथ पे कर रही हूँ।
अच्छे से मसाज करें आपको 10 मिनट तक मसाज करने, ताकि क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड उसके बाद पैक की तरह लगा कर छोड़ दे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर ले। मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और अब आप लाइव रियल देख सकते हो मेरा हाथ पहले से कितना ज़्यादा फेयर लग रहा है, कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने टॉवल से पोंछ लिया है, अब आप लाइव रियल देख सकते हो जिस तरीके से दोस्तों मेरा हाथ पे ग्लो एंड शाइन आई है ना, उसी तरीके से आपके फेस पर भी आई है। आपका फेस भी एकदम ग्लो शाइन करेगा, स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो आप इसको जरूर बना के जरूर लगाना, इसका रियल मेरे साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। और अभी मेरे दोनों हाथों पे फ़र्क देख सकते हो, मैं दोनों हाथ दिखा रही हूँ, जिस पे मैंने लगाया वो फेयर दिख रहा है, नहीं लगाया वो डल दिख रहा है। तो आप जरूर बना के लगाना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली पे रिश्तेदारों में।